हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और मैं, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के वीडियोस लेकर के आती हूँ, लेकिन अब चूंकि डीएसएसपी की वैकेंसीज आ चुकी हूँ तो मैं उसके लिए भी तैयारी कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने ये देखा कि जो है FB पे ग्रुप में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमसे पेमेंट देकर के खरीद लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, प्लीज़ कहीं भी मत जाइएगा। और इस कोरोना टाइम में हम सब खुद ही परेशान हैं और किसी के पास कोई, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अर्निंग का सोर्स ही बंद हो चुका है फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं करना है। मैं खुद ही जितना मुझसे हो सक रहा है मैं उतनी हेल्प कर रही हूँ। और ये खुद का मेरा क्वेश्चन पेपर है और जिसे मैं यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। मैंने आपको पोस्ट भी किया है कि मैं अपलोड करूँगी, तो आज मैं सेक्शन ए लेकर के आई हूँ क्योंकि इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए में आज मैं जनरल अवेयरनेस कराऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास जो है ये सबसे पहले पार्टिसिपेंट की आईडी है जिसे मैंने हाइड कर दिया। पार्टिसिपेंट नेम होगा वहाँ पे जिसमें मेरा नेम है रूही, और आगे मैंने उसको हाइड कर दिया है। टेस्ट सेंटर है यहाँ पे फ्रिंज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, एंड उसके बाद टेस्ट डेट है 27/9 और टेस्ट टाइम है 8:30 से 10:30, और सब्जेक्ट है TGT नेचुरल साइंस। तो मैं यहाँ पे सेक्शन ए लूँगी जो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आपका सोशियोलॉजी का हो, और जो है आपका दो भी सब्जेक्ट जिसने लिया हो उसके लिए ये कॉमन था। तो यहाँ पे मैं आपका जो पहला है, देखिए जनरल अवेयरनेस पे जो पहला क्वेश्चन है वो ले लेती हूँ। जनरल अवेयरनेस का फर्स्ट है, कोयना प्रोजेक्ट इज़ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। की कोयना प्रोजेक्ट एक सिंचाई का प्रोजेक्ट था, वो किस स्टेट का था या है? तो ऑप्शन ए है, या वन है हमारे पास कर्नाटका, बी राजस्थान, और सॉरी टू राजस्थान है, थ्री है महाराष्ट्र एंड फोर है केरला। तो देखिए ये जो यहाँ पे आपको जो फ्रेंड सही आंसर दे रहा है ये मेरा नहीं है, ये मतलब कि ये बोर्ड ने जो रिलीज़ किया है सही आंसर वो यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, ठीक है। कैंडिडेट अब इस आंसर से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट हो गया है। और क्वेश्चन टू है फ्रेंड्स, ये स्मॉल है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, ऐसे करने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ। तो क्वेश्चन टू है, इंडियाज फुटबॉल टीम कैप्टन सुनील छेत्री बिकेम जॉइंट सेकेंड हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर अमंग एक्टिव प्लेयर्स अलोंग विद लियोनल मेसी आफ्टर स्कोरिंग हिज, फिर डैश है यहाँ पे, इंटरनेशनल गोल इन मैच बिटवीन इंडिया एंड केनिया। तो ये कहा गया है, तो जैसे कि फ्रेंड जानते हैं कि जो लियोनल मेसी हैं बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, और जो हमारे जो इंडिया के जो कैप्टन हैं सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, तो ये कहा गया है कि इन्होंने कौन सा गोल करके, ठीक है, कौन सा गोल करके जॉइंट सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल जो है वो गोल स्कोरर बन गए हैं ये, ठीक है, यही पूछा गया है। और ये जो मैच खेला थे इन्होंने इंडिया और केन्या के बीच में हुआ था, उसी में इन्होंने ये गोल मारा था और उसके बाद ये इनको ये स्थान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे 64th गोल उन्होंने किया था, ठीक है, स्कोरिंग हिज 64th इंटरनेशनल गोल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो थ्री बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी स्मॉल ही है, देखिए यहाँ पे भी मैं जूम कर रही हूँ। क्वेश्चन थ्री है, द स्टेट शैल एंडिवोट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल कल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस अंडर विच आर्टिकल। तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन का, और जो ऑप्शन एक है आर्टिकल 51, फिर दो है आर्टिकल 50, थ्री है आर्टिकल 49 और फोर है आर्टिकल 48। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आर्टिकल का जो क्वेश्चन है वो आ गया है एक, और यहाँ पे एक इन्होंने देखिए इरिगेशन प्रोजेक्ट पूछा, दूसरा इन्होंने स्पोर्ट्स से पूछ लिया, उसके बाद ये यहाँ पे ऑप्शन फोर करेक्ट हो गया, आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है फ्रेंड। अब यहाँ पे है देखिए नीति आयोग का क्वेश्चन है कि नीति आयोग इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज मूव, ओके, ग्लोबल मोबिलिटी समिट ऑन September 7-8, 2018 इन कोलैबोरेशन विद वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड इंडस्ट्री पैटर्न इन। तो ये उस वक्त की बात है, 2018 की बात है, तब नीति आयोग जो था फ्रेंड वो जो है मूव ऑर्गेनाइज करने जा रहे थे, मूव यानी ग्लोबल मोबिलिटी समिट ऑर्गेनाइज करने जा रहे थे 7-8 September में। तो यही पूछा गया है कि वो किसके किसके कोलैबोरेशन में हो रहा था, सहयोग से कौन कौन था उसमें, तो वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड इंडस्ट्री
पार्टनर इन, और वो कहाँ पे हो रहा था, ये है न्यू दिल्ली में। ओके, तो पहला था नोएडा, सेकंड है फरीदाबाद, थर्ड है न्यू दिल्ली और चौथा है गुरुग्राम। तो ये जो फ्रेंड है वो न्यू दिल्ली में हुआ था, तो ये हो गया वहाँ का। ये देखिए करंट से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर पांचवे की तरफ बढ़ते हैं, जो फिफ्थ वाला है ये यहाँ पे है, देखते हैं ये फिफ्थ वाला क्या है। नाबार्ड पे आ गया फ्रेंड, नाबार्ड। तो नाबार्ड हैज़ रिसेंटली लॉन्च सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज। फिर डैश है द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंटर इन साउथ ईस्ट एशिया। तो ये कहा गया है कि जो नाबार्ड है उसने रिसेंटली जो है वो जो है सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज वो लॉन्च किया है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो नाबार्ड है वो कहाँ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नाबार्ड उनका जो ऑप्शन है, पहला है इलाहाबाद, सेकंड है लखनऊ और थर्ड है नागपुर एंड चौथा हैदराबाद, जिसमें कि लखनऊ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और फ्रेंड्स, ये नाबार्ड जो है वो लखनऊ में है और ये बहुत बड़ा इसका जो है कार्यालय है और गोमती नगर में ये है। चलिए सिक्स का क्या है, सिक्स देख लेते हैं। वेयर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बुल्गारिया लोकेटेड। अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड की कैपिटल्स में जो जितने भी कंट्री हैं उनकी कैपिटल से एक क्वेश्चन आया है। तो फ्रेंड्स, सीधे मैं इसका आंसर ही बता रही हूँ क्योंकि राइट आंसर आपको दिख ही रहा है, इसमें कुछ सोचना तो है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ सीधे आंसर ही अब बता देती हूँ। तो चार ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं जिसमें जो करेक्ट आंसर है वो सोफिया करेक्ट है। ओके, इससे थोड़ा टाइम सेविंग भी हो जाएगा क्योंकि जब हमारे पास टेस्ट टाइप का तो कुछ चल नहीं रहा है कि मैं ऑप्शन दे करके सोचने के लिए थोड़ा मौका दूँ। तो जितनी टाइम आपके भी बहुत प्रीशियस है फ्रेंड। तो चलिए मैं सीधे आंसर ही बता दे रही हूँ, आप लोग इसको अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा एक बार दो बार और प्रैक्टिस करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले लेती हूँ सेवेंथ वाला। तो सेवेंथ देखते हैं फ्रेंड, तो ये भी स्मॉल है, थोड़ा जूम कर लेती हूँ उसके बाद आपको बताती हूँ मैं। तो यहाँ